प्रेशर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिहाइड्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, डिहाइड्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिहाइड्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया 180 डिग्री सी पे तो हमें इथीन हासिल हुआ, जब हमने इसको रिएक्ट करवाया 140 डिग्री पे तो हमें डाइथाइल ईथर हासिल हुआ। इसका मतलब जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी डिहाइड्रेशन होगी तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट विल ऑब्टेन, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल होगी। जब डिफरेंट टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन होगी तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल होंगे। वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट इज इथर और इथीन, तो हमें जब इसकी डिहाइड्रेशन होगी डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो हमें 180 डिग्री पे इसका रिएक्शन हुआ तो हमें इथीन हासिल हुआ, जब हमने 140 पे इसका रिएक्शन हुआ तो हमें इथर हासिल हुआ। अब इसमें H2SO4 क्या चीज है? H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 इज डिहाइड्रेशन एजेंट। तो डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें रिमूवल वाटर किस में है? अल्कोहल की वजह से। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।